चुनाव के पहले कांग्रेस के सामने जीतने से ज्यादा बड़ी चुनौती है अपने नेताओं को रोकने की। केंद्र हो या मध्य प्रदेश, सभी जगह लगातार बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस को समझ आने लगा है कि अगर ऐसे नेता खुद पार्टी छोड़ते रहे तो उनके साथ कार्यकर्ता भी पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। यानी कि एक नेता के जाने का अर्थ है कई वोटों का गिरना या कई वोटों का कम होना। पिछले दिनों खबरें थी कि दिग्विजय सिंह के करीबी नेता रामनिवास रावत पार्टी छोड़ रहे हैं, मगर अब अचानक से दिग्विजय सिंह ने अपना कार्ड खेलते हुए उनको बीजेपी ज्वाइन करने से रोक लिया। न केवल रोका बल्कि अपने पक्ष में प्रचार करने के लिए राजगढ़ बुला भी लिया। कांग्रेस की डैमेज कंट्रोल वाली तैयारी, एक फोन कॉल पर दिग्विजय ने पलटा खेल। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को रोकने की जद्दोजहद, रामनिवास रावत को कांग्रेस में रोकने की कहानी। पहले सुरेश पचौरी तो फिर दीपक सक्सेना, एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं ने चुनाव के बाद अपनी पार्टी को गुड बाय कर दिया। लेकिन कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ रहा था। पार्टी के बड़े नेता कह रहे थे कि जिनको जाना है वो चले जाएं। लेकिन अब लगातार जाते नेता कांग्रेस के लिए चिंता की लकीर बन गए, इसलिए उनको रोकने का सिलसिला शुरू हो गया है। खबरें थी कि टिकट बंटवारे को लेकर नाराज दिग्विजय सिंह के खास रामनिवास रावत बीजेपी ज्वाइन करेंगे। वो 25 अप्रैल को मुरैना में प्रधानमंत्री मोदी के सामने बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले ही दिग्विजय सिंह को समझ आ गया कि उनको कितना नुकसान होगा। यही कारण है कि रामनिवास रावत को रोकने के लिए हाईकमान का कॉल आया और फिर दिग्विजय ने जाते हुए रामनिवास रावत को कांग्रेस में रोक लिया। रूठने मनाने का दौर खत्म होते ही रामनिवास रावत ने तुरंत ही दिग्विजय सिंह का प्रचार अपने हाथों में ले लिया। वो राजगढ़ में कांग्रेस के लोगों को सभ्य बताने लगे और बीजेपी के लोगों को बहस करने वाला। कांग्रेस के लोग सभ्य होते हैं, भले होते हैं और बहस नहीं करते। मैंने देखा है कि किसी एक जगह अगर 10 लोग बैठे हो, बीजेपी का एक बंदा आएगा, जोर जोर से चिल्लाएगा, बोले राम मंदिर बना कि नहीं बना। रामनिवास रावत जो पीएम मोदी के साथ जाने की तैयारी में थे, वो कांग्रेस में रुककर 15 लाख रुपए का हिसाब मांगने लगे। लोगों को राम की कसम खिलाने की बात करने लगे। आप तो ये बताओ, मोदी ने 15 लाख देने की बात की थी कि नहीं की थी? आप ये बताओ, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी कि नहीं की थी? आप ये बताओ, मुद्रा की कीमत सुधारने की बात की थी कि नहीं की थी? इन सब बातों को, किसान की आय दोगुना करने की बात की थी कि नहीं की थी? अब वो बोल नहीं पाएंगे तो उनसे कहो पहले इनका जवाब दे। तो मैं माँ बाप की कसम है, भगवान राम की कसम है, कहा कि नहीं कहा? रामनिवास रावत कांग्रेस के लिए कितने जरूरी थे वो उनके सियासी इतिहास से समझा जा सकता है। विजयपुर सीट से 6 बार विधानसभा जीत चुके हैं रामनिवास रावत। चंबल अंचल की हाई प्रोफाइल सीट में विजयपुर शामिल है। मुरैना में टिकट वितरण से नाराज थे। 2019 में मुरैना लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर से चुनाव हारे। 1993 से 1998 तक दिग्विजय सिंह सरकार में राज्य मंत्री थे। 1998 में कैबिनेट मंत्री भी रहे। रामनिवास रावत दिग्विजय सिंह के करीबी हैं। जब उनकी नाराजगी कांग्रेस से कम हुई तो उन्होंने दिग्विजय सिंह की खुलकर तारीफ भी की। हमारा कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, बहुत उत्साहित है और आप लोगों के सामने तो ऐसे प्रत्याशी जिन्हें जिनको पाकर के आप गौरवान्वित होंगे। पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने उनके द्वारा किए हुए काम सभी कर। भले ही रामनिवास रावत ने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी हो, लेकिन रविवार देर रात चंदेरी नगर पालिका अध्यक्ष दशरथ उर्फ संतोष कोली ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके साथ ही नगर पालिका के अन्य पार्षदों ने भी बीजेपी का दामन थामा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आपको बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी ज्वाइन करने वाले कांग्रेसी नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, जिनमें सुरेश पचौरी, कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना और राकेश कटारे जैसे नाम भी शामिल हैं।